मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि देश में मंदी के दौर का केंद्र सरकार को अनुभव करना होगा, तभी वह इस मंदी से देश को बाहर निकाल पाएगी। वहीं इंदौर में होने वाले औद्योगिक घराने के सम्मेलन के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि यह पिछली सरकारों ने किए गए दिखाव पर आधारित नहीं है, ना ही यह सम्मेलन झूठे वादों और मीडिया के लिए है। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए है, जो यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा कर सके। साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। बताओ, टेक्सटाइल पार्क के लिए इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आपने कुछ योजना बनाई है? प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज जो देश में मंदी है जी, केंद्र सरकार जी, तो सबसे पहले तो इसे एहसास करना पड़ेगा जी। केंद्र सरकार एहसास करे और जो कदम उठाने ये मंदी का उपाय, इससे हमारे नौजवानों का भविष्य असुरक्षित रहता है। प्रयास है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए। 18 तारीख को इंदौर में बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। जैसे पहले सम्मेलन होते थे जी, अंतर है। ये बनावटी और मीडिया के लिए सम्मेलन नहीं है, ये सम्मेलन है एक विश्वास उत्पन्न होए मध्य प्रदेश में, लोगों का विश्वास उत्पन्न हो, क्योंकि निवेश तो तभी आता है प्रदेश में जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो। सर, झाबुआ में उपचुनाव, सर क्या स्थिति? उपचुनाव मैं गया हुआ हूँ कई दफे, अभी जाऊँगा। कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।